स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 20 ऑफ EVS फूड एंड फन। ट्रिंग 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 द डोरबेल रैंग। मनप्रीत ओपन्ड द डोर। शी सॉ दिव्या एंड स्वास्तिक देयर। शी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली, सुरजीत लुक हु हैज कम। सुरजीत केम रनिंग। व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड्स शी हग्ड देम हैप्पीली एंड सेड, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल? Just yesterday, just yesterday. Where are your parents? We want to meet them, said Swastik. Students, यहाँ पे मनप्रीत और सुरजीत और दिव्या और स्वास्तिक चार बच्चों की बात है। दिव्या और स्वास्तिक जो थे वो हॉस्टल में रहते थे और वो दोनों मनप्रीत और सुरजीत के घर पे आए थे। तो वो डोर बेल बजाते हैं स्वास्तिक और दिव्या, तब मनप्रीत अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और जैसे उनको देखती है दिव्या और स्वास्तिक को, तो वो अपने भाई को एक्साइट होके बुलाती है कि देखो कौन आया है। तब वो अपने फ्रेंड्स को देख के बहुत खुश होता है और उनको गले लगाता है। फिर स्वास्तिक और दिव्या उनको पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स कहाँ पर हैं, हमको उनसे मिलना है। अब मनप्रीत ने बोला दे आर एट द गुरुद्वारा, वी वर अबाउट टू गो देयर टू। हम लोग भी गुरुद्वारे जाने वाले हैं क्योंकि वो भी गुरुद्वारे में है, ये सुरजीत ने बोला। ओ वेरी गुड, वी विल ऑल्सो कम विथ यू, सेड दिव्या। दिव्या ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। यू कम ओनली इन द वेकेशंस, डू यू लाइक टू स्टे इन द हॉस्टल? यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, सुरजीत आस्क्ड। सुरजीत ने क्या बोला कि तुम हमेशा ही वेकेशंस में आते हो, तुम लोग को हॉस्टल में रहना पसंद है, क्या तुम अपने पेरेंट्स को वहाँ पर मिस नहीं करते हो? दिव्या सेड, दिव्या ने बोला वी डू मिस देम, हम लोग उनको बहुत मिस करते हैं, बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन, लेकिन हॉस्टल में बहुत मज़ा आता है, वहाँ की लाइफ में बहुत इन्जॉय करते हैं। इवन इफ़ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी इन्जॉय ईटिंग टुगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रंस। अब दिव्या ने क्या बोला, कभी कभी हमको वहाँ का खाना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब हम बच्चे साथ में मिलकर खाना खाते हैं तो हम लोग इन्जॉय कर लेते हैं। यू नो When someone in our hostel gets homemade food, we all rush to their homes. That food gets finished within minutes, said Swastik laughingly. फिर स्वास्तिक ने बोला तुमको पता है कि जब हॉस्टल में किसी भी बच्चे का घर से कोई खाना आता है, खाना मीन्स कुछ भी स्नैक्स वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया था लड्डू स्वीट्स वॉट एवर, तो जो भी आता है तो हम सब उसके रूम में घुस जाते हैं और जल्दी से वो फटाफट खाना जो है उनका, जो नाश्ता जो स्नैक्स आता है उनके घर से, वो हम लोग फिनिश कर देते हैं, ये स्वास्तिक ने हंसते हुए बोला। डू यू स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल, अब हमको क्वेरी आई है, फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि आप बोर्डिंग स्कूल में रहना पसंद करोगे? इफ़ यू डू नॉट, अगर आपको नहीं पसंद है, ट्राई टू टॉक विथ समवन, आप कोशिश करें किसी से बात करने की, हु गोज़ टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट, जो बच्चा बोर्डिंग स्कूल में जाता है आप उनसे बात करें और पता लगाएं, और आपको बोर्डिंग स्कूल क्यों जाना, आप जाना चाहोगे और नहीं जाना चाहोगे, तो आप बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनसे आप बात करें और पता लगाएं। नाउ क्या पता लगाना है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन व्हाट वेज़ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल, बोर्डिंग स्कूल दूसरे स्कूल से अलग क्यों है? क्योंकि बच्चों क्या है, बोर्डिंग स्कूल में हमको वहीं पे रुकना पड़ता है और हमारे अदर स्कूल में क्या है, हम डेली घर जा सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड दे गेट देयर, उनको किस तरह का खाना मिलता है, हमको उनसे पूछ के पता लगाना है। वेयर डू द चिल्ड्रन सिट टू ईट इन द बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में वो कहाँ पर खाते हैं? तो वहाँ पे एक हॉल होता है जिसको मैस बोलते हैं, बड़े से हॉल में वो वहाँ पर खाते हैं। हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में कौन खाना बनाता है? तो वहाँ पर वो लोग रखे हुए हैं जो कि खाना बनाते हैं, जैसे कि कुक, स्पेशली कुक रखा जाता है जो कि सारे बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बनाता है। एंड हु सर्व्स द फूड, खाना कौन सर्व करता है? तो वहाँ पर स्टाफ होता है, जैसे कि कुक रखा है तो वैसे सर्विंग के लिए भी अलग अलग लोग रखे हुए हैं स्टाफ में सर्व करने के लिए। हु वॉशेज़ द वेसल्स, वेसल्स कौन वॉश करता है? तो या प्यून वॉश करता है या फिर जो वॉशरमैन है, जो बर्तन साफ करने वाला है, वो साफ करते हैं। डू द चिल्ड्रंस मिस होममेड फूड समटाइम, क्या वहाँ के बच्चे घर का खाना मिस करते हैं? तो यस डेफिनेटली दे आर मिसिंग होममेड फूड। वुड यू लाइक टू गो टू बोर्डिंग स्कूल, वाई, आप बोर्डिंग स्कूल जाना पसंद करोगे? क्यों,
ये आपको आंसर लिखना है।